तो आप सबको पता है कि नेपाल इन दिनों में ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठा रहा है और वो चाह रहा है कि ग्रेटर नेपाल फिर से बने। अब ये ग्रेटर नेपाल क्या है और नेपाल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल इन दिनों में ग्रेटर नेपाल के बारे में क्यों बात कर रहा है। आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल नेपाल का एक पहले पार्ट हुआ करता था जो आज से 200 साल पहले टूटा। आप सबने ये तो सुना होगा कि एक बड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था जिससे पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ, आपने ये भी सुना होगा। तो आज आपको ये भी बताते थे ग्रेटर नेपाल आज से 200 साल पहले तक हुआ करता था। तकरीबन 300 सालों तक ग्रेटर नेपाल मौजूद था, 300 सालों तक ये बहुत बड़ा ग्रेटर नेपाल हुआ करता था जो पृथ्वीनारायण शाह के टाइम से चला और ये नेपाल के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेपाल की इसमें काफी बड़ी बड़ी जगहें थी जिसमें काफी खूबसूरत जगहें भी थी जो जगहें आज इंडिया बांग्लादेश भूटान और चाइना में जा चुकी है। इन सारी जगहों को अगर नेपाल वापसी ले लेता है तो ग्रेटर नेपाल बन सकता है। आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि ग्रेटर नेपाल कैसे टूटा, ग्रेटर नेपाल वापसी कैसे आ सकता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए 1550 से लेकर 1650 के बीच में ग्रेटर नेपाल बना था जो पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से चला जो तकरीबन 300 सालों तक चला। 300 सालों के बाद जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया तो वो ये चाहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान में और उस आस पड़ोस में जितने भी मुल्क हैं उनके ऊपर कब्जा कर ले। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर वो लोग रहते हैं जो गुड़गांव के नाम से जाने जाते हैं। तो ब्रिटिश ने नेपाल के साथ एक जंग की फिर दूसरी की, दो जंगों के बाद तीसरी लड़ाई या तीसरी वॉर जब हुई तो इसमें नेपाल हार चुका था। काफी सारी जगह नेपाल से लेके इसको हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया, कुछ जगह चाइना की साइड पे चली गई तो जो पहले तिब्बत हुआ करता था, कुछ जगह जो थी वो भूटान की साइड पे चली गई। अब ये जब ग्रेटर नेपाल टूटा था तो 1816 का साल था, 1816 में ग्रेटर नेपाल टूटा और उसके बाद आज तक ये नेपाल को वापसी नहीं मिला। अब नेपाल इस टाइम पे तकरीबन 200 सालों के बाद ग्रेटर नेपाल चाह रहा है कि ग्रेटर नेपाल वापसी से बने, बट अभी ये मुश्किल नामुमकिन सी बात है क्योंकि आज का ग्रेटर नेपाल जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में जा चुका है। जैसे आपको पहले मैंने बताया कि ग्रेटर नेपाल टूटा, तो ग्रेटर नेपाल जब टूटा तो उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर चला गया था। सारी जगह एक साइड थी जो तिब्बत या चाइना की साइड पे चली गई, अब दो साइड पे चला गया। अब हिंदुस्तान की जब आजादी हुई तो ये फिर हो गया तो तीन पार्ट्स पे, पाकिस्तान इंडिया और चाइना। अब पाकिस्तान का पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान में भी काफी जगहें आ गई, फिर उसके साथ भूटान में भी काफी सारी जगह चली गई, फिर 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ तो ये जगह बांग्लादेश में आ चुकी है। तो आप सब ग्रेटर नेपाल के बारे में बात सुन लियो कि इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल नेपाल वापसी बनाना चाहता है तो नेपाल के लिए इसके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो नेपाल को इस टाइम पे चाइना के साथ लड़ना पड़ेगा, इस टाइम पे भूटान के साथ लड़ना पड़ेगा, उसके साथ बांग्लादेश और फिर इंडिया। अगर आप बांग्लादेश के साथ लड़ते हैं तो बांग्लादेश से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी उनको सेल करते हो तो वहां पे भी आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाइना के साथ करते हो तो चाइना के साथ भी आपका ट्रेड काफी सारे डील्स है तो वहीं पे भी आपके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और तब ही आप ग्रेटर नेपाल आप बना सकते हो। अगर इन कंट्रियों के साथ आप लड़ सकते हो तो ही उसके बाद ग्रेटर नेपाल बनेगा।